सबों को मेरा नमस्कार। आज मैं बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 2015 के तहत अगर फर्स्ट आवेदन में हुए निर्णय से असंतुष्ट हैं या आपका काम ठीक से नहीं होता है तो आप इसके बाद प्रथम अपील भी इसके तहत कर सकते हैं। आज मैं प्रथम अपील आवेदन पत्र को कैसे भरना है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। सर्वप्रथम आपने जो परिवाद दर्ज किया होगा उसमें एक 18 अंक का वाद संख्या दिया जाता है, उसे मूल परिवाद संख्या कहते हैं। तो सर्वप्रथम प्रथम अपील आवेदन पत्र में आप मूल परिवाद संख्या दर्ज करेंगे, उसके बाद सेवा में लिखेंगे प्रथम अपीलीय प्राधिकार और संबंधित कार्यालय का नाम पता दे देंगे। और सर्वप्रथम एक नंबर में आवेदनकर्ता या अपीलकर्ता का नाम लिखेंगे, दो नंबर में पिता का नाम लिखेंगे, तीन नंबर में अपना पूरा पता देंगे, चार नंबर के क में अपना मोबाइल नंबर अवश्य दें, ख में ईमेल दे सकते हैं इच्छा अनुसार, ग में आधार कार्ड संख्या भी अपना इच्छा अनुसार दे सकते हैं। पाँच में कहा जाता है कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्णय से जो असंतुष्ट हुए हैं या उनके निर्णय में जो विलंब हुआ है या नियमानुसार दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है या आपका कार्य जो था वो नहीं हुआ है तो उसके बारे में जो लोक प्राधिकार बनाया गया था, जैसे मान के चलिए आपने अंचल कार्यालय की शिकायत की थी तो उस लोक प्राधिकार हो गया अंचलाधिकारी, उसी तरह प्रखंड से अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी थाना की शिकायत किए होंगे तो थाना प्रभारी, इसी तरह जिस से संबंधित आपने शिकायत किया होगा जिस पदाधिकारी के विरुद्ध वो लोक प्राधिकार कहलाता है। तो उसका वर्णन इसमें देंगे। छठा नंबर में है कि उस आदेश की विशिष्टियां जिसके विरुद्ध अपील या किया जा रहा है, तो आप आदेश में जो मुख्य बिंदु है जिससे आप असंतुष्ट हैं उसका वर्णन करेंगे। सात नंबर में अपील का आधार, मतलब आप क्यों अपील करना चाहते हैं इसका आधार देंगे, तो इसमें अपने कंडीशन के अनुसार इसका आधार अपने अपने निर्णय के अनुसार लेंगे। किसी में हो सकता है कि आदेश में बहुत विलंब हुआ हो या हो सकता है लोक प्राधिकार ने जो अपने तरफ से पक्ष रखा है वह गलत हो, उसके बारे में आप इसमें चर्चा कर देंगे। फिर आठ नंबर में मांगी गई राहत, मांगी गई राहत में जो आपने जिस काम के लिए जिसकी शिकायत की थी वो काम आपका ठीक से हुआ या नहीं हुआ, जैसे नकल आपको मिला या नहीं मिला, आपका FIR दर्ज किया गया कि नहीं किया गया, आपका सुपरविजन सो समय नहीं किया गया है, जो भी आपने पूर्व में जो शिकायत किया था उसी का वर्णन यहाँ करेंगे। नौ नंबर में कोई अन्य सुसंगत सूचना जो अपील निष्पादन में आवश्यक समझा जाए, इसमें आप और कुछ कहना चाहते हैं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी से तो वो इसका वर्णन कर देंगे। दस नंबर में है संलग्न किए गए दस्तावेज, तो क नंबर में सर्वप्रथम है कि पहले जो आपने आवेदन दिया था मूल परिवाद संख्या में जो आदेश पारित किया गया था लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा, उसके आदेश की प्रति करवा लेंगे और उसे सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे स्व अभिप्रमाणित। ख नंबर में है कि अपील के आवेदन में उल्लिखित दस्तावेज की प्रतियां,
आप उस दस्तावेज के साथ और जो साक्ष्य के रूप में उसके साथ लगाना चाहते हैं उसको जोड़ दें। गौ नंबर में है अपील आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज की सूची, आप एक सूची बना देंगे कि पेज फलाने में ये है, तो अभी प्रमाणित छाया प्रति आदेश की। दो नंबर में आपके द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया उसका वर्णन करेंगे। इसी प्रकार आपने जितने भी कागजात दिए संलग्न किए उसके साथ उसकी सूची आप अवश्य दे दें, उसके बाद अपना हस्ताक्षर कर दें और दिनांक भर दें। इस प्रकार आपका प्रथम अपील ये पदाधिकार के समक्ष आवेदन पत्र भरा जा चुका है। इस प्रकार आप इसे प्रथम अपीलीय प्राधिकार के कार्यालय में जो प्रायः जिला मुख्यालय में हुआ करता है वहां जाकर भी आप इसे भरकर जमा कर सकते हैं, या राष्ट्रीय डाक से भी कर सकते हैं, या ऑनलाइन आप मोबाइल से या कैफे सीएससी केंद्र पर जाकर भी करवा सकते हैं। अगर मूल परिवार संख्या में दिए आदेश से कोई व्यक्ति असंतुष्ट हैं या उसका कार्य ठीक ढंग से नहीं किया जाता है शिकायत करने के बावजूद, तो उसे प्रथम अपीलीय पदाधिकार के यहाँ अवश्य शिकायत दर्ज करना चाहिए। जय हिंद।